वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने सबक नंबर 11 को मुकम्मल करना है और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है अहम इबारत की तशरीह। सबसे पहले हम हवाले मतन देखेंगे। दो चीज़ें अहम होती हैं, मुसन्निफ़ का नाम, सबक का उनवान, उसके बाद आता है सियाक व सबाक। सियाक व सबाक में हम क्या लिखेंगे कि पैगाम रसानी जो है वो इंसान की बुनियादी ज़रूरत रही है, इब्तदा से ही इंसान को इसकी ज़रूरत महसूस हुई है। इब्तदा में इंसान जो है वो पैगाम रसानी के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करता था, जैसा कि कासिद के ज़रिए पैगाम भेजना, घुड़सवारों को भेजा करते थे अपनी मंजिलों तक ताकि वो पैगाम को आगे पहुँचा सकें। उसके बाद अगर तारीख़ का जायज़ा लें तो ईरान, इराक, शाम के जो हुक्मरान थे वो कबूतरों का इस्तेमाल किया करते थे। कबूतर के गले में जो है वो ख़त को बांध देते थे और वो अपने मकाम तक जो है वो उसको पहुंचा देता था। फिर क्या हुआ, वक्त बदलता गया, तब्दीली आती चली गई, जदीद ऐजादात हुई जिनमें वायरलेस शामिल है, फिर रेडियो की, टेलीविज़न की, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, फैक्स, ये तमाम ऐजादात, इन तमाम ऐजादात ने जो है वो पैगाम रसानी को आसान बना दिया। और पैगाम रसानी जो जिसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगता था, एक पैगाम को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगता था, अब वक्त बहुत कम लगता है और पैगाम जल्दी जो है वो पहुंचाया जा सकता है। ये बुनियादी पॉइंट्स थे सियाक व सबाक के हवाले से जो मैंने आपसे डिस्कस किए। अब हम इबारत को पहले पढ़ेंगे और फिर उसकी तशरीह को जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए, हमारे पास जो इबारत है उसे हम रीडिंग करते हैं। टेलीफोन, रेडियो और टेलीविज़न से भी ज़्यादा पुरानी ईजाद है, ये भी मवासलात का नहायत अहम ज़रिया है। इसे रेडियो और टेलीविज़न पर दो बातों में सबकत हासिल है। इसके ज़रिए दो तरफ़ा पैगाम रसानी होती है और वो निजी ज़रूरतों में भी काम आता है। गुज़िश्ता बरसों में से कई तरीक़ों से बेहतर बनाया गया है। पहले यह ऑपरेटर का मोहताज था मगर इसमें डायल लगा के इसे खुदकार बना दिया गया है। डायरेक्ट डायलिंग करके अब दूसरे शहरों, दूसरे मुल्कों और दूसरे बड़े आदमों से भी गुफ्तगू की जाने लगी है। ये हमारी इबारत थी। अब हम इसकी तशरीह के कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि टेलीफोन की जो ईजाद है वो टेलीविज़न और रेडियो से भी बहुत पहले की है, लेकिन ये ईजाद जो है इसने हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है। किस तरह, रेडियो में हम आवाज़ सुन सकते हैं, कोई सा भी पैगाम जो दे रहा है हम उसे सिर्फ सुन सकते हैं। टेलीविज़न में हम एंकर पर्सन को देख सकते हैं कि वो कहीं पर भी बैठा है, अपना पैगाम दे रहा है, हम कहीं पर भी बैठकर टेलीविज़न उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन टेलीफोन का जो बुनियादी फ़ायदा है वो ये फ़ायदा है कि हम कहीं पर भी बैठे बात भी कर सकते हैं और अपना पैगाम पहुँचा सकते हैं, किसी को दावत दे सकते हैं। इब्तिदा में ये होता था कि ये ऑपरेटर का मोहताज था, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम था, मखसूस इलाकों तक महदूद था। फिर ये हुआ कि इसमें तब्दीलियां लाई गई, डायरेक्ट डायलिंग का सिस्टम, हर इलाके, हर मुल्क का बाकायदा तौर पर एक कोड दर्ज किया जाता है जब कोई भी शख्स उस कोड को जो है वो मेंशन करता है और कॉल मतलब डायल कर लेता है तो वो बात कहीं भी कर सकता है, किसी भी इलाके, किसी भी मुल्क, किसी शहर या किसी भी बड़े आज़म में बैठकर वो किसी से भी रابطہ बासानी कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर यही बताया गया है कि अगरचे टेलीफोन जो है वो रेडियो और टेलीविज़न से पुरानी ईजाद है लेकिन इसके फ़वाद जो है वो उससे ज़्यादा हैं। अल्लाह हाफ़िज़।